Hello everyone, welcome back. Back, back. Hello everyone, welcome back to my channel. How are you guys doing? I hope you all are safe and doing well. सो so, आज का वीडियो होने वाला है एक समर मेकअप लुक समर सीजन आ चुका है और अभी तो स्किन की ना बैंड बजने वाली है सो so, सबसे पहले तो स्किन को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा और अगर कोई फंक्शन आ जाता है तो हमें उसमें भी कोई ना कोई मेकअप तो जरूर करना पड़ता है बट पर्सनली समर्स में मुझे मेकअप करना इतना कुछ खास अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी मैंने जस्ट आप लोगों के लिए ये समर मेकअप लुक क्रिएट किया है जिसमें मैंने बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है मैंने कोई भी प्रकार के प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है और तो ये जो मेकअप है ये वॉटर प्रूफ और सेट प्रूफ मेकअप भी होने वाला है इस टाइप का अगर आपने मेकअप कर लिया ना किसी भी समय फंक्शन में या कहीं भी, भी आप पार्टी में जा रहे हैं या कभी कोई भी वेडिंग आप अटेंड कर रहे हैं ना तो ये आपका मेकअप कहीं नहीं जाने वाला है जो भी वेडिंग हम अटेंड कर रहे हैं ना उसमें हमारी एटलीस्ट पिक्चर्स अच्छे आ जाए जितना हो सके उतना कम मेकअप यूज करती हूँ समझ में बिकॉज uh, मेरी ऑयली स्किन है और मेरी स्किन के ऊपर uh, मेकअप समर्स में टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए मुझे बहुत सारे यू you नो know, टिकड़नबाजी भी करनी पड़ती है कहीं ना कहीं वो टिक भी जाएगा लेकिन मुझे पर्सनली ना वो बहुत हैवी लगता है पसंद नहीं आता है लेकिन उसका मेरे पास एक सोल्यूशन है मेकअप करने से पहले मैं अपनी स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप कर लेती हूँ और मैं आज की वीडियो में यूज कर रही हूँ ये हिमालय के प्रोडक्ट्स ऑनेस्टली uh, मैं इनको पहली बार यूज करने वाली हूँ आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है तो मैंने सोचा कि मैं भी इन्हें यूज करके देख लूँ ये किस टाइप का, का काम करते हैं मेरी स्किन के ऊपर बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है और ये स्पेसिफिकली ऑयली स्किन वालों के लिए तो बेस्ट बताया गया है अगर आपकी स्किन अच्छी होगी हेल्थी होगी तो मेकअप करने की ऑटोमेटिकली आपको जरूरत नहीं होगी सो या विदाउट डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टूडे वीडियो बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ भगवान जाने इसके बाद के सारे ऑडियो मेरे कहाँ चले गए पर कोई बात नहीं फिर से रिकॉर्ड कर लेते हैं इसी का नाम तो जिंदगी है तो सबसे पहले तो मैं अपने फेस को वॉश करने के लिए यूज़ कर रही हूँ हिमालय प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश प्रिवेंट पिंपल्स नीम विद टर्मरिक एंड सॉफ्ट फ्री है पैराबिन फ्री है इसके बारे में तो मैं, तो मैं क्या ही बोलूँ टीन के लिए तो बेस्ट है और जो हिमालय के प्रोडक्ट्स ना सारे के सारे अफोर्डेबल प्राइस के तो तो फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ ऑनस्टली बट बहुत अच्छा लगा मुझे अच्छा और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है पाए एड यू कैन सी की मैंने सिर्फ फेस वॉ यूज़ किया और मेरी स्किन कितनी अच्छी ग्लो करी है उसके बाद में मैं कोई भी फेस स्क्रब यूज़ करती हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालय प्योरिफाइंग नीम फेस स्क्रब विद नीम एंड एप्रीकॉट एक्सफोलिएट करता है ब्लैकहट्स को मुझे ब्लैक एट्स इतने कुछ खास नहीं होते हैं बट ब्लैक बहुत ज़्यादा हो जाता है स्पेशली समर्स में नोज राउंड और चिन राउंड और वीक में दो या तीन बार स्क्रब यूज कर लेना चाहिए और स्क्रब को जब भी आपको यूज करना है तो आप इसे राउंड मोशन में ही यूज करें और ज्यादा रब करके यूज नहीं करना डायरेक्टली यूज नहीं करना जैसे हम फेस वॉश करते हैं वैसे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है एंड uh, उसके बाद में मैं यूज करती हूँ फेस टोनर और यूज कर रही हूँ हिमालय का रिफ्रेशिंग एंड क्लेरिफाइंग टोनर फॉर ऑल स्किन टाइप एल्कोहल फ्री है सबसे पहले तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है रिफ्रेश कर देती है आपकी स्किन को के बाद में अगर आप चाहें तो कोई भी फेस सिरम यूज कर सकते हैं बट मैं फेस को यहाँ पे स्किप कर रही हूँ और मैं यूज कर रही हूँ हिमालय नरिशिंग स्किन क्रीम लाइट एंड नॉन ग्रेसी सो मेरी ऑयली स्किन है तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी है इवन दो मैं इसे विंटर्स में भी यूज कर सकती हूँ ईजिली उसके बाद में समर्स में सबसे बेस्ट ये सारे स्टेप आप स्किप कर देना बट ये वाला स्किप मत करना जो कि है सनस्क्रीन और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स की सनस्क्रीन विद स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन एस पी एफ थर्टी पी ए ट्रिपल प्लस बहुत अच्छी है सबसे पहले तो इसमें कोई भी हैवी फ्रेग्रेंस नहीं है व्हाइट कास्ट तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ उसके बाद में लिप्स को अच्छे से हाइड्रेट कर लेती हूँ उसके लिए मैं सेम यूज़ कर रही हूँ हिमालय का लिप बाम तो कंप्लीट हो गया है अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेकअप तो सबसे पहले मेकअप में स्टेप आता है हमारा प्राइमर और प्राइमर आपको कुछ इस तरीके का यूज़ करना है जो कि आपके यू नो फेस के ऑयल को भी कंट्रोल कर ले और आपके जो ओपन पॉसेज है ना उसकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का फ्लॉलेस बेस प्राइमर बहुत ही अच्छा प्राइमर है एक जेल बेस्ड प्राइमर है और मेरी स्किन के लिए तो मुझे ये बेस्ट लगता है ऑयल फ्री कर देता है मेरी स्किन को नेक्स्ट स्टेप में मैं कोई भी फाउंडेशन नहीं अप्लाई करती हूँ समर्स में फाउंडेशन थोड़ा सा हैवी हो जाता है तो मैं यूज करूँगी कोई भी बीबी क्रीम और मैं यहाँ पे बीबी क्रीम कर रही हूँ uh, एक मॉइस्टराइज फाउंडेशन की तरह काम करती है बहुत अच्छे से ब्लैड हो जाता है स्किन के ऊपर नेक्स्ट स्टेप में कंसीलर uh, होता है बट पर्सनली uh, मैं समर्स में जब भी बाहर जाती हूँ भी मेकअप करती हु तो मैं कंसीलर को स्किप करती हूँ बिकॉज कंसीलर क्रीज

लिए मैं एक टिंटेड लूज पाउडर यूज कर रही हूं टेंटेड पाउडर यूज कर रही हूँ इन साइड कोस्ट में वन ऑफ माई फेवरेट अगेन टेंटेड पाउडर इजिली यूज कर रही हूँ क्योंकि मैंने कोई कंसेलर यूज नहीं किया है एक तो ये थोड़ा सा हाईलाइट कर देगा और साथ के साथ मेरे मेकअप को भी यू नो लॉन्ग लास्टिंग भी बना देगा तो इसलिए मैं एक टेंटेड पाउडर यूज कर रही हूँ लूज पाउडर को मैं अपने uh, उस एरिया पे यूज करूंगी जहां पर मुझे स्वेट होता है जस्ट लाइक माई टीज ऑन एंड ओवरऑल आप पूरे फेस पे यूज कर सकते हो बिकॉज स्वेट तो पूरे फेस पे होने वाला है जब तक मेरी अंडर आइज बेक हो रही है uh, तब तक मैं अपने आईब्रोज का सेट कर लेती हूँ उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये इन साइड की स्मच फ्री आईब्रो पेंसिल इसको काफी टाइम इवन हर एक दूसरे वीडियो में आपने मुझे यूज करते हुए देखा होगा ये मेरी करंट फेवरेट स्टार्टिंग में ऑनस्टली बोलूँ मुझे इसे यूज करना नहीं आता था बट धीरे धीरे मैं इसे यूज करना सीख गई हूँ और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है मैं आईब्रोज को इसीलिए सेट कर रही करी बिकॉज मेरे पास आईब्रोज के नाम पे दो तीन ही बाल हैं मेरी आईब्रो ना के बराबर है क्विक चेक अगर आपकी मेरी तरह है पिगमेंटेड हैं तो आप उसके ऊपर ना कोई भी आई यूज मत करना वो एक नेचुरल आई का ही काम करेंगे डायरेक्टली मैं यहाँ पे एक वॉटर काजल यूज कर रही हूँ और वॉटर काजल का नाम आए और मेरे हाथों में लेकमे का आईकोनिक काजल ना आए तो ऐसा हो नहीं हैक देखा था कि काजल को ऐसे अप्लाई कर लो और फिंगर्स की हेल्प से स्मच कर लो ना तो ये एक आई का और एक लाइनर का भी काम कर ही देता है डायरेक्टली एक अप्लाई करती जो कि मेरी आई को बहुत अच्छे से वॉल्यूम दे दे। का लेस है।, है, सारे सारे है। जब भी मैं कोई भी मस्कैरा अप्लाई करती हूँ पहले मैं आपको एक आईज पे अप्लाई करके दिखाती हूँ और दोनों का डिफरेंस देख लेना लुक एट द डिफरेंस कितनी ही प्यारी लग रही है मेरी आईज और कितने अच्छे से वॉल्यूम दे रही है इसने मेरे आई लेरा अप्लाई करने के बाद में मैं एक बार फिर से अपने आईलेश को कर्कॉज कर बेस को मैंने काफी सिंपल रखा है और इसके ऊपर अगर मैंने एक और पाउडर प्रोडक्ट यूज कर लिया ना बहुत अच्छी बताया मुझे 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 लिक्विड हाईलाइटर यूज कर रही हूँ और यूज कर रही है लंडन आईकोने ब्लैंड में इनको ब्यूटी ब्लैंडर के से ही करती हूँ या तो फिंगर स्कैप से कर लेती हूँ उसके बाद में आ, स्टेप आता है पूरे बेस मेकअप को सेट करके रखना इसके लिए मैं यूज करूंगी इन का मेकअप फिक्सर क्यों जो की मेरे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाए वॉटर प्रूफ और स्मज प्रूफ भी बना दे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है जो मुझे अच्छी नहीं लगती है अफोर्डेबल में ये वाली लिपस्टिक चाहिए ना पर्पल की ये मिनी लिपस्टिक आती है लेकिन अगर आपको उससे भी ज्यादा अफोर्डेबल में चाहिए ना आंख बंद करके ना इन की ये वाली लिपस्टिक्स यूज कर सकते हो ये एक्चुअली में स्मज प्रूफ भी है वाटर प्रूफ भी है और एक लिक्विड लिपस्टिक है और ये वाला शेड ना मैं पहली बार यूज कर रही हूँ ये जो शेड में यूज कर रही हूँ ये है थर्टीन क्योंकि मेरा मेकअप बहुत सिंपल है सटल लिपस्टिक अप्लाई कर ली है उसके बाद में मैं ये स्ट्स पहनूंगी आई नो इनको डोंट्स बोलते हैं होप्स बोलते हैं क्या बोलते हैं जो कि मैंने बीसो से ले दे बहुत प्यारे हैं और अब मैं मिलती हूँ आपको हेयर स्टाइल बनाने के बाद में एंड इज द फाइनल लुक मुझे तो ये लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है आप लोग कॉमेंट करके बता देना आपको कैसा लगा और वीडियो चले गए तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना uh, मैं मिलती हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग